होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस डीलक्स सुपर डीलक्स रूम क्वीन स्वीट्स प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बेड डॉर्मेट्री ह्यूज पार्किंग स्पेस कनरा देव रोड सागर। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो दिखाया नरियावली विधानसभा के, मैं जेरई गांव में हूँ। ये जेरई गांव के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत साहब भी, लेकिन ये जेरई गांव आता है नरियावली में, जहाँ जो आरक्षित सीट है, यहाँ से सुरेंद्र चौधरी और प्रदीप लारिया के बीच में मुकाबला है। मेरे साथ बात करने के लिए आप मेरी तरफ बाईं तरफ देख रहे होंगे तमाम महिलाएँ गाँव की, इनसे भी हम बात करेंगे, और इस तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो नौजवानों के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने हमारे साथ क्रिकेट भी खेली है। मैं सबसे पहले महिलाओं के पास जाता हूँ, लेडीज फर्स्ट। क्या नाम है अम्मा आपका? अशोक रानी जी। आप क्या यहीं पर रहती है जेरई में? अच्छा, तो कैसा माहौल है इस बार जेरई का आपका? भज्जा जो है तो दिखा रहा है दूर आ रोज खा रहा है। हाँ। और सुने पानी की व्यवस्था न लेटरिंगों की व्यवस्था? अच्छा, आओ। तो आपके यहाँ क्या काम होता है? काम आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी, खेती बाड़ी नहीं है? नहीं हमारे। तो कितने कमा के लाते हैं रोज? अब 100-150 दे दे सुबह ही मत के भज्जा का करे। अभी तो कटाई का मौसम चल रहा होगा ना? कटाई 8-10 दिन में काट ला, सुखाया हो रहा भज्जा नहीं हो पा रहा। तो इस बार वो शिवराज सिंह चौहान भी दे रहे महिलाओं के लाने? हाँ, दाए कितने दाए? 1-1 हजार। 1-1 हजार हो रहा हूँ कचू उससे? नहीं, उससे नहीं हो पा रहा कचू है। तो इस बार अच्छा माहौल क्या है गाँव का? अब भजन गांव को माहौल की नहीं, चुनाव आ गए, अब तो सुखा हो गई, चुनाव आ गए। तो चुनाव में क्या है इस बार? क्या बात है भज्जा जी, को जी आ की क्या सुमा को डार दें। अच्छा, आपका नाम क्या है? कविता। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं, घर पे काम बिड़ी बनाती हैं? अच्छा, और आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? किसानी को, किसानी का काम करते हैं। कितनी खेती है आपके यहाँ पे? 2-3 एकड़। 2-3 एकड़। अच्छा, तो चल जाता है घर का खर्चा? अब चला लेते, नहीं चल रहा तो चला रहा, बिड़ी मिड़ी बनाते रहे। अच्छा, तो बिड़ी बनाती हैं आप, तो बिड़ी के जो अस्पताल वाले आते होंगे और जो बिड़ी मजदूरों के लिए जो योजनाएं रहती हैं उसका कुछ फायदा मिला आपको? नहीं मिला हमारा। नहीं मिल पाया, पता कोई नहीं बताते यार। अच्छा, तो अब इस बार चुनाव है, तो क्या लग रहा है गाँव का माहौल क्या है इस बार? गाँव का माहौल तो देखा ही रहा है, नहीं जम पा रहा, नहीं जम पा रहा। तो ये तो नौजवान तो कुछ और कह रहे थे कांग्रेस के, कांग्रेस से, कांग्रेस है? तो पहले भी तो यहाँ से जे रही, तो कांग्रेस की सीट रही है ना? हाँ। वो सीट बोल रहा है पोलिंग यहाँ से तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता। क्या करती हैं? बिड़ी बनाते। अच्छा, आप सब लोग बिड़ी बनाते हैं? सब बिड़ी बनाते हैं, बिड़ी मजदूर मजदूरी सही बात है। जो बोल रहा, तो उसमें ये बताइए आप हमें कि इस बार गांव का माहौल क्या है? अब भज्जा जी यहाँ सब भूखे लगे, सुमाई बहरन लगे, और का करें? तो फिर अच्छा दिक्कत क्या जाती है आप लोगों को गांव में? पानी की परेशानी। हाँ, पानी की परेशानी। ये पानी का ये रखा हुआ है कहाँ से? खाली है अभी तो ये भर में जा रहा है। तो ये कहाँ जाती हैं आप भरने के लिए? हैंड पंप पे जाते हैं, नल पे जाते हैं। तो गांव में पानी नहीं आता? नल जल योजना नहीं आई यहाँ पे? कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे। अच्छा, न कुटी आई, न पानी। हाँ जी, जो जो ने हरिजन है उनको नहीं व्यवस्था, बड़े आदमियों को सबको लग गए हैं नल, नल है, नल लग गए। अच्छा, व्यवस्था। अच्छा, ये गंभीर आरोप है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या नाम है ये, क्या नाम है आपका? रागनी। कहाँ पढ़ाई करती हैं जी? कहाँ पे जाती हैं पढ़ने के लिए? मैं सागर जाती हूँ। सागर, तो कितना पड़ता है यहाँ सागर? 20 किलोमीटर? 20 तो नहीं, 12-13। 12-13 चल जाता। तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मेरी थर्ड ईयर कॉलेज में हूँ। कौन सा? बीटेक। बीटेक कर रही हैं। तो इस बार क्या लगता है इस बार गांव में आपको क्या होना चाहिए? गांव में आप तो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं। मेरे हिसाब से तो सब कुछ चेंज ही होना चाहिए। हाँ। जब पहले बीजेपी रह चुके हैं तो अब कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ। और क्योंकि हमारे यहाँ की तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि हम लोग को यहाँ, जैसे कि हम हरिजन में किसी के यहाँ कुटी आई हैं, लेकिन हाँ गिन चुन कर आई हैं कि हाँ इनके घर में आई हैं, किसी के यहाँ है तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा है। और गांव में तो ऐसे ही सब कुछ ऐसे बड़े बड़े लोगों का करते हैं, पानी में यहाँ है तो जा रहे हैं,
हम लोग हैंड पंप से जाते हैं, ट्यूबवेल यहाँ आता नहीं है, कभी मोटर खराब हो जाती है, पता चलो महीनों डेढ़ महीनों में सुधर रही है, हम लोग परेशानी हो रहे हैं। अच्छा। ऐसा होता है। और टंकी बन रही है, बनने की तलाश में एक डेढ़ साल हो गया, अभी बनी नहीं है। हाँ। अच्छा, ऑल ओवर एमपी की अगर बात करें अपन, ऑल ओवर एमपी में क्या होना चाहिए इस बार? कांग्रेस। क्यों? बीजेपी तो रह चुकी है हमेशा से। हाँ। और मतलब उसको भी मौका मिलना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए क्या कर रही है। हाँ। उसके हिसाब से महंगाई भी इतनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से भी देखना चाहिए कि हाँ उसको मौका मिल रहा है, वो कैसे करेंगे। हाँ हाँ। इस वजह से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी हेरवार है। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 12th बी में हूँ, नरेआवली। अच्छा। CM राज स्कूल। वेरी गुड। तो क्या लगता है इस बार गांव में? गांव में सर यही लगता है कि बहुत चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सड़कें और जो हम लोग स्कूल जाते हैं ना, बसों की सुविधा है ना कुछ। हाँ। यहां पर बसों से भी पैसे मांगते हैं, जो 10:30 स्कूल स्टार्ट होती है, बसें नहीं रोकते हम लोगों के लिए। हाँ। 9:45 की बस से जाना पड़ता है। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक बदलाव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, गांव के हिसाब से देखें ना, हम लोग के यहाँ लेटरिंग है ना, कुटी आई है ना, मतलब पानी की सुविधा है। हाँ, इसलिए देखो सड़कें, हम लोग जब स्कूल जाते हैं हम लोगों की ऐसी ड्रेस गंदी हो जाती है, मतलब बरसात के दिनों में कि जो चलते जाते हैं तो कीचड़ भी वो चलता है, हम लोगों को ना साइकिलें मिली है, 5 किलोमीटर पड़ता है नरेआवली, ना बस की सुविधा है ना साइकिल की सुविधा है। ना बस की सुविधा है ना साइकिल की सुविधा है, उनका बच्चों का और स्टूडेंट का यहाँ पर कहना यह है कि यहाँ पर इस गांव में जो गरीब लोग हैं उनको सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। मेरे साथ और भी लोग हैं गांव के। भैया नाम क्या है आपका? चिंतामन है हर बार। क्या क्या लग रहा है इस बार गांव में? सर इस बार गांव में कांग्रेस ही आएगी। क्यों? क्योंकि सर विधायक ने कुछ किया ही नहीं है, यहाँ सिर्फ हरिजनों के लिए कोई सुविधा नहीं है, बाकी हर समाज के लिए है। अच्छा। हाँ, यहाँ सर गिने टारगेट किया जाता है ना अहरवार समाज के लिए, ना यहाँ गेहूं मिलता है, ना यहाँ राशन है, ना शौचालय है, ना रोड है, कुछ नहीं है। कौन इधर आइए, जरा क्या नाम है आपका? आओ इधर आओ आप। मैं बता दे रहा हूँ। आप बताइए। चलिए क्या पूछना चाहते हैं सर? क्या लग रहा है इस बार गांव में? हम तो ये बदलाव चाहते हैं। हाँ। चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, बीजेपी को 10 साल देख लिया है। हाँ। और कांग्रेस को भी देख रहे हैं। हाँ। क्योंकि क्या है, तानाशाही बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। चाहे बीजेपी की सरकार ने जो तानाशाही अभी की है। हाँ। तो इससे हमारे लोग और हमारी समाज के लोग, हाँ, अहरवार समाज में आज 1.5 महीना हो गया यहाँ पानी पीने को आ नहीं रहा, ट्यूबवेल चालू नहीं हो रहा, तानाशाही मचा के रखी हुई है यहाँ पे। ये बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे चाचा ड्रम लेके नलकों जाते हैं, एक भी नल पास नहीं है हमारे यहाँ का। हाँ। आप पूरी व्यवस्थाएं खराब है, यहाँ का रोड देख लीजिए, आज 5 साल में 10 साल से यहाँ पे हो गए, पानी की टंकी का काम चल रहा है आज के एक साल की, यहाँ पे बड़ी समस्या है। पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि कभी पूछने को कोई नहीं आता है। हमारे पूरे समाज के लोग इतना परेशान होने को रखे हैं कि इतनी ज्यादा समस्या है कि आप कुछ ना पूछो। इसलिए बदलाव चाहो, वो बदलाव करेंगे। हाँ। वो बदलाव करने की स्थिति में सभी लोग हैं। बदलाव करने की स्थिति में सभी लोग हैं। पानी ये लोग दूर दूर से लेके आते हैं, परेशान होते हैं। हाँ, ना, ना आप आइए। कौन आप? आइए, क्या नाम है आपका? बताओ क्या नाम है? रामप्रसाद। रामप्रसाद, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कितने कमा रहे हैं आजकल रोज? 200-250 रुपए। फिर क्या कैसे चल पाता है घर का खर्चा पानी? तो चल रहा है, अब जैसे चल रहा है ठीक है, शुक्र है, मतलब बिना कोई घबराहट बेराहट नहीं है, जितना है कम तो नहीं, और मतलब तो जो है दाल तो रोटी चल रही है, दाल रोटी खा रहा पी रहे चल रहा इस बार गांव। बाकी जो समस्या है सबसे बड़ी तो है पानी की। हाँ। और यहाँ ये रोड देखो आप, रोड भी खराब है, कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, गोविंद सिंह राजपूत भी तो यहीं के हैं ना? अपने क्षेत्र के हैं। हाँ, अपने क्षेत्र के अपना काम करते दादा। आओ ना, आप कहा बुजुर्ग आदमी हो, आइए आइए। किसी नहीं बटी आए, किसी 3 महीना से किसी नहीं बटी, बाटी नहीं खा ली, कोई को नहीं मिली, हमारे गरीब आदमी। हाँ हाँ, चलो 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 जी। किसी नहीं बड़ी यहाँ पर। हाँ हाँ, वो जहीं की तहीं ड्यूटी कर रहा है, सब कर रहा है। अरे अरे अरे, फिर क्या है आम आदमी? आइए आप, देखो हमारे पहचान वाले आ गए यार। तन्ना कितने यार, आज झूल रहे यार, क्या नाम है? पप्पू कोटवार जी हैं जी हमारे यहाँ। अच्छा, पप्पू आई हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार, क्या है फिर इस बार का माहौल गाँव का? अच्छा है, सबका काम हो रहा है, सब बातें, थोड़ी बहुत ऐसा रहता है कि हाँ हो जाता है।
थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो जाती है, हो जाती है। फिर आज जैसे कोई भी कार्रवाई है, कोई घोषणा करी तो टाइम लगता है कागजों में, हर चीज में। अब तुरंत तो आज मुंह से बोल दी, अपन तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन गंभीरता रखो चाहिए, गंभीरता रखो चाहिए। लेकिन महंगाई यहाँ पे और लोग महंगाई के पीछे जनता त्रस्त है, महंगाई बहुत है। महंगाई लेकिन इस बार ये गांव में बारिश कम हुई है, तो गांव के अंदर अभी और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि पानी की समस्या बढ़ेगी। जी हमारे बाबूजी आदरणीय गुलाब सिंह राजपूत जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी, उनने बहुत किया है, बहुत कोशिश कर रहा है। अब उनका तो इलाका ही नहीं है, वो तो उनका ये तो रहने वाले हैं, वो यहाँ के, वो तो सुर्खी के हैं, उनका उनका नाम क्या लेना, एक साथ तोलते हैं वो, ओ एक साथ तोलते हैं। आइए आइए, और कौन है भैया? एक्चुअल में सर जी कुछ नहीं है, जो क्षेत्र जिसका रहता है, जो मुखिया होता है, वो तो ग्रामीण का अलग होता है, वो अपन वो हमारे सम्मानीय है, वो हम लोग सब लोग उनको जानते हैं, उनसे हमारी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जिसका चीज क्षेत्र लगता है उसने अपनी अपनी प्रोग्रेस, उसने मतलब यहाँ पे आओ नहीं देख रहे पास तो आओ ना इनको तो आओ यार। अरे तो तुम क्या शर्मा रहे, तो आओ क्या है इस बार, तो चाहिए कांग्रेस पार्टी चाहिए, कांग्रेस ही क्यों चाहिए, क्यों 15 साल तो दे दिया बीजेपी को। अच्छा और क्या, 15 साल से कभी एक दिन भी नहीं आए प्रदीप लहरी यहाँ पे, बिल्कुल आते नहीं है, दो बार आए सर। हम लोग को 7-8 साल हो गई शादी, अभी तक राशन पर्ची में नाम नहीं जुड़ा सर हम लोग का। अच्छा, दो बच्चे हम लोग सर, दो बच्चे हम लोग के छोटे छोटे, हम लोग 100-150 रुपए में क्या चक्कर लगा, सरपंच के चक्कर लगा, सबके लगा सर। राशन पर्ची में 4 बार नाम बोल चुके लेकिन नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, नहीं जुड़ रहा। हम लोग जुड़ता क्यों नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है गरीबों को हम खूब अनाज दे रहे, गल्ला दे रहे, खूब सचौखो 4 महीने हो गए कागज दे नहीं दिए, 4 महीने अभी तक नाम नहीं जुड़ा सर। महंगा इतना जितना सरकार बीजेपी सरकार दे रही 5 किलो गेहूँ, उतना लोग दान में देते सुबह से जो मांगने वाले आते हैं 5 किलो गेहूँ। सर जी आप खुद सर्वे कर लें कि इनका खुद ये पात्र हैं, अपात्र आदमी की कई जगह पर्ची निकलेगी, गाँव। अच्छा इस गांव की आबादी कितनी, गांव में कितनी लोग, जनसंख्या कितनी है सर? वोट है 850, 850 वोट हैं, 1000 वोट होगी। कितनी पोलिंग, एक ही पोलिंग बनती है, एक ही पोलिंग बनती है। तो ये जेरई के इलाके के लोग जी, आइए साहब आइए 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 आइए, हाँ बताओ, ये काफी परेशान है, बहुत देर से हमारा इंतजार। क्या नाम है आपका? सुनील पटेल। पटेल साहब क्या कर रहा था? मजदूरी। मजदूरी करते हो, तो कितने कमा लेते रोजाना? 200-250। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत सर जहाँ में है कि बेटा इधर से हटो, 15 साल से सर हमारी, 15 साल से हमारी मिसेज की तबीयत हती खराब, तो सर होगा तो लकवा लग गया। अच्छा, चल फिर नहीं पाती थी, विधायक के हम खुद कार्यालय में 2 दफे गए, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। एक बार तो स्कूल में आए भल ले गए, उनने हमें भोपाल की बोल रही, वो कोई तो अब करने का है हमें जा करने के। सर ने हमारा वो सम्मल योजना को कार्ड बनवाया, खुद ने सरपंच की वो सदस्य कार्ड भी भेजा तो है? वो भी कोई लाभ नहीं, और सारा आखिर बेकार खत्म हो गई। और भी सर, अच्छा तो दादा आपको नाम का है? हाँ तो आपका चाहत कछु सहायता चाहत सर, अब अभी तो आचार संहिता लग रही है, अभी तो कौन अब तो पर्सनली करने नेता है, अगर चुपचाप से करे जो चाहो तो वो हो सकता, चुपचाप नेता चुपचाप से बिना उसके सर। अब इनकी कुछ समस्या सुनो आप। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा एक मिसेज का सम्मल कार्ड था, मिसेज खत्म हो गई, उसका पैसा नहीं आया है। अच्छा, कितना? 2 लाख रुपए 2 लाख सम्मल कार्ड का, संबल कार्ड का पैसा नहीं आया, किसी की पत्नी खत्म हो गई तो मदद नहीं मिल पाई। इस गांव की एक अलग व्यथा है, कोई कहता है कि महिलाएं कहती हैं कि पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई कहता है कि यहां पर सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये गांव के लोगों का कहना है, गांव के लोग यहाँ पे हमें बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब ये जो आप वीडियो बना रहे हैं चलना चाहिए, ये जब हम आते हैं तो बड़ा अजीब सा ये लगता है कि जब मीडिया के लोगों से लोग ये कहते हैं कि ये खबर आप बना रहे हो तो इसका प्रसारण ज़रूर होना चाहिए। तो मीडिया के ऊपर और हमारे ऊपर इस तरह के जब ऐसी बातें आती हैं बहुत सारी। जी क्या
मीडिया वाले बहुत आते हैं लेकिन बना के हमारे चले जाते, लेकिन रिलीज नहीं कराते वो खिलाने वीडियो के लिए। रिलीज बहुत जरूरी है, करना चाहिए। हम लोग पिछले दिन देखते हैं, आप बिल्कुल ऐसे लोग आते रहिए, अपडेट आपको बिल्कुल बराबर मिलता है। वीडियो अपलोड नहीं होती, आप लोग भी नहीं आते हो। नहीं आते नहीं है, लेकिन जब आए तो खबर चलेगी। आपका जो वीडियो है, आपका जो वीडियो है ना, आप जो यहाँ होता है दिखाओगे तो और अच्छा। आपका इनका ये लोगों का हाँ, तो हम ये इसका लोगों का कहना ये था कि यहाँ पर कई सारे मीडिया वाले हाँ दादा सुना, अनंत राम कुर्मी जेरई, अनंत राम कुर्मी जेरई, मिसेस का नाम है जयंती कुर्मी जेरई, इनको मदद नहीं मिली है। हाँ है ना, 2021 में खत्म हुई थी, 2023 चल रही है, पैसा अभी तक नहीं आया। 2 महीने का बोला था, 2003 खत्म होने वाली है, 2023 खत्म होने वाली है। कुर्मी साहब का कहना ये है, ठीक है दादा आपकी बात पहुंच रही है। तो यहाँ पे 20,000 मांग रहा है, सच्चे होते हैं कि हाँ काम से मांगे हैं। तो दादा हमें तो आप एकदम झंझोर देते हैं, हम ऐसे एक तीर कमान मारे हैं। क्या कह रहा है दादा, इतना गुस्सा हमें तो आप ये चलो, दादा ने 2 बार करी के आज तुम ही है दा, और अच्छे अच्छों ने हमसे मना कर दी, जो हमने मुंह पे बोली का कह रहे हैं आप हमसे कहो। हाँ खत्म कर देंगे, हम यही केस खत्म कर देंगे। हाँ फिर आखिरी में उनने बोला नहीं पैसा आपका आ जाएगा, हमें आश्वासन में रखे हैं विश्वास में, पर वो विश्वास हमारा तो आपने जीत लिया, पर आपका विश्वास हम कैसे जीते, हम पे आप पे भरोसा ही नहीं, खत्म ही कर दिया भरोसा। किसने किसने आप पे हम पे भरोसा ही नहीं है, चलेगी ना खबर, चले चलो। आपने इतने अच्छे काम करे हैं कि आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा, या जनता भी विश्वास नहीं करेगी। कौन पे, नेता पे या मीडिया पे? प्रदीप लाल। आप किसका कह रहे हो? भारत सरकार, भारत सरकार से जी, भारत सरकार से। आजा भैया गऊ माता भी यदि भी आ गई, आजाइए ले आइए। कहाँ से ला रहा है ये गज्जा को? खेत से ले आ रहा है, खेत से, खेत से ले आ रहा है। गज्जा भी दिखा भैया, आओ दिखाओ गज्जा भी दिखाओ। क्या इतने तो दिखा दो, कितने की कहाँ से, देसी है क्या और कौन से? देसी है बज्जा। हाँ दूध मूध कितनी दे दिए? दूध 1 लीटर दे दी, दे दी 1 लीटर दूध। तो घर का खर्चा चल जाए तो ये है, बहुत बढ़िया। कहाँ तो कितने दूर है गाँव? गांव तो जो खेत, खेत कितने दूर है? खेत तो 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर तो बढ़िया, वहीं चलती रहती है, आज दिन भर काम करते हो। काय की फसल था इस बार? चना मसूर है। चलो ठीक है, तो ये लोग ये जेरई गांव में थे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की समस्याएं, अलग अलग परेशानियां, अलग अलग मुश्किलों के लोग, फंसे हुए लोग यहाँ पे हमें मिले हैं और इनसे हमने बात की है। चलिए अब हम अगली तरफ चलते हैं और नरियावली विधानसभा के किसी अगले गांव में चलकर बात करते हैं और अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे जेरई के लोगों से। वादा है कि अनकट आएगा और एक एक जेरई के लोग यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे। इस पेशकश में नहीं, शुक्रिया। डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, प्रेसिडेंशियल स्वीट, बैग, डॉर्मेट्री, बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP, फोन 9302290822।